नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल का जारी है। फाजिल का की भरतपाक सीमा की चौकी GD1 पर आज स्कूली बच्चों को बॉर्डर संबंधी जानकारी दी गई। गांव सुरेश वाला सैनिया के सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चे आज यहां पर बॉर्डर संबंधी जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर BSF द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही बच्चों को बॉर्डर संबंधी जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि आखिर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्या होता है। इस संबंधी आज BSF के अधिकारियों द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। BSF के कमांडेंट खानेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यहां पर बच्चों को जागरूक किया गया, जिसका से यहां पर स्कूली बच्चों द्वारा BSF संबंधी जानकारी ली जा रही है। बॉर्डर संबंधी यहां पर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। जैसे आपको पता है कि कल भी हमने एक ऑर्गेनाइज किया था, उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एंड मिडिल स्कूल का बच्चे करीब आया था, 120 करीब। तो कल हमने उसी प्रोग्राम में भी था कि हमने आज प्राइमरी लेवल का स्कूल का प्रोग्राम कराना है। और बेसिकली मेरा मानना ये है कि ये एक एक्सपोजर है बच्चों के लिए, जो ग्राउंड में जाके ये देख सकते हैं कि हमारा बॉर्डर का सुरक्षा कैसे हो रहा है और क्या क्या परिस्थिति में हमारा लोगों ने हमको रक्षा करने के लिए बॉर्डर में खड़ा है। तो BSF का ये जो जवान है, BSF का जो ऑफिसर है, BSF का जो SOs है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, तो इन लोगों ने किन किन परिस्थितियों में यहाँ ड्यूटी करते हैं, इसको एक मतलब ग्राउंड में नॉलेज देने के लिए, तो ये होम मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव था। प्लस लोगों को एक देशभक्ति का, देश का प्रति जो एक लोगों का समर्पण है, उसको जगाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से इनिशिएटिव था, जिसकी तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया, जिसमें स्कूल का प्राइमरी स्कूल सुरेश वाला सैनी मिडिल स्कूल का करीब 70 बच्चे और पूरा स्कूल का स्टाफ को आप आज हमने यहाँ बॉर्डर में टूर कराया, जिसमें उनको बॉर्डर का ड्यूटी के बारे में, हमारा डिफरेंट जो हमारा पास इसके बॉर्डर डोमिनेशन प्लस बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, लाइक यूज़ ऑफ एनिमल्स, यूज़ ऑफ वेपन्स एंड यूज़ ऑफ स्पेशल गैजेट्स, हमने उनको ज्ञान दिया थोड़ा, जो हमको एक मिनिमम लेवल ऑफ, जो मैक्सिमम हम उसको साथ शेयर कर सकते, उसके उसका भी हमने उसको उसके साथ शेयर किया नॉलेज के बारे में। ओवरऑल बच्चे बुरे खुश रहा। और मेरा ये मानना है, मैं तो ये तो जो आया है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फजिलका का ही बच्चे आया है, मैं तो बोलूँगा देश का इंटीरियर प्लेस से, दूर दराज प्लेस से, पर्टिकुलरली दिल्ली, मुंबई, इस टाइप में जगह में जो हमारा स्कूली बच्चे हैं, इन लोगों का ये टूर अरेंज करना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, ताकि उन लोगों को भी बॉर्डर के बारे में एक ज्ञान रहे, देश के बारे में, देश का सुरक्षा के बारे में एक ज्ञान बढ़े, और इसमें ज़रूर फायदा ही होगा। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि देयर द बर्डिंग ग्राउंड, ये इनका नॉलेज, अभी इनका जो माइंड है बड़ी रिसेप्टिव है, और एट दिस स्टेज अगर हमने कुछ भी देश के बारे में, देश की समर्पण, देश के प्रति समर्पण या देशभक्ति के बारे में कुछ भी हम इसको अगर बताते हैं, वो पॉजिटिवली लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते एज कम्पेयर टू द ओल्डर एज। तो मैं चाहूँगा ये होम मिनिस्ट्री का ये जो इनिशिएटिव है, ये डेफिनेटली अप्रिशिएबल है, और मैं चाहूँगा इसे और भी प्रोग्राम बने, विजिट करें डिफरेंट बॉर्डर, हर तरीके का बॉर्डर दिखाए इसको, और लोगों के इसके ऊपर, ताकि जनरल मतलब नॉलेज बढ़े, लोगों को जागरूकता बढ़े, और बच्चों का भी इसके प्रति, फोर्स के प्रति एक मोटिवेशन हो इसका। तो इतना ही मेरा कहना है।
सामने जैसे ये पूरा दिख रहा है ना, उसी का ये जमीन पे नक्शा है। क्या है? नक्शा है ये। इससे हमें पता चलता है नक्शे में कि कौन सी चीज कहाँ है। दरिया यहाँ पे सतलज दरिया है। क्या है ये? सतलज दरिया है। और ये जो जड़ी लाइन दिख रही है, जो ऑरेंज और ग्रीन कलर की है, जो ये ऑरेंज, ये नारंगी और केसरी और ग्रीन कलर की है ना, ये है बॉर्डर। क्या है ये? ग्राउंड में आगे की तरफ है। और जरा ये जो काला काला दिख रहा है, जो लाइन इसमें ऐसे ऐसे क्रॉस लगे हैं, ये तार बंदी है। क्या है? तार बंदी है। ठीक है। और अगर उसमें देखो सामने दूर की तरफ वो पोल दिख रहे हैं, इनके ऊपर पक्षी सा बैठा लग रहा है, दिख रहे हैं? वो रात के समय लाइट जलती है, इनसे रात पे बॉर्डर पे ऐसे ही उजाला रहता है जैसा दिन के समय रहता है। ठीक है। जैसे हम दिन में देखते हैं ऐसे रात में लाइट जलती है। आपने देखा होगा क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, नाइट मैच देखे हैं, उसमें लाइटें जलती हैं, तो वैसी लाइटें हैं। जैसे वहाँ पे रोशनी रहती है, यहाँ पे भी रोशनी रहती है इनसे, और बॉर्डर पूरा दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो दिन के समय भी बॉर्डर पे हम लोग, हमारे लोग रहते हैं, वो देखते हैं और गार्ड करते हैं। कोई सामने से आ रहा है तो हम उसे रोकते हैं, नहीं रोकता है तो क्या करते हैं, फायर करते हैं, गोली मारते हैं। ठीक है। अगर रुक जाएगा तो पूछेंगे क्यों आ रहा है, नहीं रुकेगा तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो बॉर्डर के उस तरफ वाले लोग हैं वो उस तरफ ही रहते हैं, इधर नहीं आते, अगर आएंगे तो मरेंगे। ठीक है। बॉर्डर पे कौन रहता है? बीएसएफ। कौन गार्ड करता है? बीएसएफ करती है। ठीक है ना। वो जो फेंसिंग दिख रही है यहाँ से देखो, वहाँ देखो, वहाँ दिख रही है, यहाँ पे देखो, इस साइड अपने सबसे नजदीक इधर बाई साइड देखो, दिख रहा है काली काली छोटे छोटे डंडे से लगे हुए हैं, डंडे नहीं है, लोहे के पिकेट्स हैं। ठीक है। और ये नजदीक दिख रही है, ये सामने देखो यहाँ पे, ये जो है ये पहले फेंसिंग जो थी यहाँ पे थी। ठीक है। इसके आगे हमारे किसान खेती करने जाते थे, बॉर्डर इससे बहुत दूर था, मगर इस फेंसिंग को ऐसी एक नई फेंसिंग आगे लगा दी है, और उसके आगे भी हमारे किसान, जो हमारे देश के किसान है, वो खेती करने जाते हैं। ठीक है। ये जो फेंसिंग के और इसके बीच का एरिया है ना, ये बॉर्डर है और ये फेंसिंग है, इसके बीच का जो इलाका है ये, इससे यहाँ पे खेती करने के लिए कौन जाता है? हमारे किसान जाते हैं। ठीक है। और ये जो लाल लाल डॉट दिख रहा है, ये पाकिस्तान की पोस्ट है। क्या है? पाकिस्तान की पोस्ट। वहां से खड़े होके पाकिस्तान की एक पोस्ट दिखती है, देखा आपने, इधर एक फकीरा पोस्ट है वो दिखती है, वो कॉर्नर पे, वहां खड़े होके दिखेगी आपको। ठीक है। पिलर देखा है आप लोगों ने, ये जो निशान है ना, ऐसे बाउंड्री को कोई लाइन नहीं है। इधर देखो, ये जो निशान है ना, इस निशान से बॉर्डर को, जैसे आपके खेत की मेड़ होती है ना, डोली होती है ना, बन्नी बोलते हो, क्या बोलते हो, वट, वट, तो जो वट होती है ना, ऐसे यहाँ वट नहीं होती है, वट की जगह ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सीमेंट के पिलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। जिससे बॉर्डर का पता चलता है कि बॉर्डर यहाँ से निकल के जा रहा है, बॉर्डर यहाँ पे। ठीक है। कोई बन्ना या कोई वट नहीं होती है, और कोई दीवार भी नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है। पिलर कले पिलर, हाँ खाली पिलर होता है। ठीक है। पिलर से पता चलता है कि बॉर्डर यहाँ यहाँ से जा रहा है। ठीक, समझ में आया। बॉर्डर में हम दिन के समय ड्यूटी करते हैं और रात के समय। दिन के समय हमारे पास देखने के लिए क्या होता है? ये होता है, क्या है ये? दूरबीन। इससे जब हम देखते हैं तो दूर की चीजें नजदीक दिखाई पड़ती। मेरा नाम मालू रानी है, हिंदी टीचर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, शेषवाला सैनिया,
SCO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਅਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਡੋਗ ਹੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, PTI ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਵੇਸਾ ਸੈਣੀਆਂ। ਸਰ, ਮੈਂ CO ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸੁਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ CO ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਮੈਂ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆਵੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ CO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ BSF ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ देखा आपने किस तरह से BSF द्वारा बच्चों को बॉर्डर संबंधी जानकारी दी जा रही है, बच्चों को अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंधी जागरूक किया जा रहा है, BSF की ड्यूटी समझाई जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।